वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा आज कैंप कार्यालय से गणेश चतुर्थी के अवसर पर काशी के तीन अंतगृही यात्राओं में से एक विशेश्वर खंड की अंतगृही यात्रा का शुभारंभ करते हुए झंडी दिखाकर पर्यटन दल तथा वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के 50 सदस्यों को रवाना किया गया। स्थल को उमा शंकर गुप्ता के मार्ग निर्देशन में पर्यटन पुलिस के साथ निकाला गया। उन्होंने अंतगृही यात्रा दल को शुभकामनाएं दी और मौके पर उपस्थित पर्यटन अधिकारी को दो अंतगृही यात्राओं हेतु सहित पावन पथ की यात्राएं शीघ्र आयोजित कराए जाने का सुझाव दिया। आज पर्यटन विभाग और यहां का जो टूरिज्म का गिल्ड है, जो व्यापारियों का समूह है जो पर्यटन से जुड़े हैं, उनके तत्वावधान में आज विश्वेश्वर खंड की अंतर्गृही यात्रा आयोजित की जा रही है। उसी का फ्लैग ऑफ किया गया है। काशी में तीन अंतर्गृही यात्राएँ बड़ी प्रचलित हैं, बहुत धार्मिक पौराणिक यात्राएँ हैं जिनका अपना बहुत विशेष महत्व है। किसी भी और शहर में ये यात्राएँ नहीं हैं। इसी में से तीनों खंडों की यात्रा के लिए शासन के द्वारा भी बहुत प्रयास किया जा रहा है। यहाँ लोकल जिला प्रशासन के द्वारा तीनों अंतर्गृही यात्राओं का अच्छा पर्यटन प्रपोजल बना के भेजा गया है। इन सभी के जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिर पर बोर्ड लगाना, उनकी साफ सफाई कराना, उनके सामने जो रास्ते हैं वो ठीक कराना, ये जिन जिन गलियों में हैं उन सभी गलियों को पेंट करा के उन गलियों को ठीक करना, ये प्रपोजल भी भेजा गया है। साथ ही जितने भी टूरिस्ट ऑपरेटर हैं, जितने भी हमारे टूरिस्ट गाइड हैं, उन लोगों को भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि जो धार्मिक यात्री यहाँ आते हैं उनको इसके बारे में जानकारी देके ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा कराएं। तो इसी को प्रमोट करने के लिए आज ये यात्रा रखी गई है। अब से लेके फरवरी मार्च तक लगभग अब धार्मिक कार्य शुरू हो गए हैं, त्यौहार शुरू हो गए हैं। उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं का लीवरेज लेते हुए काशी में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस टूरिज्म आए, यहाँ के लोगों को बेनिफिट हो और यहाँ के धार्मिक स्थलों का लाभ लोग उठाएं, उसी का एक छोटा सा प्रयास है। आगे भी हम लोग केदारखंड की और ओंकार खंड की यात्राएं कराएंगे। इसी के साथ नगर प्रदक्षिणा और पंचकोशी की तो पहले से ही यात्राएं हो रही हैं। पंचकोशी मार्ग को भी प्रमोट करने के लिए वहाँ धर्मशालाएं और वहाँ जो बाकी यात्री शेड बनने हैं उनके भी प्रपोजल बनाए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि 6 महीने में इन सभी 5 यात्राओं को बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सके, ताकि कोई भी यहाँ आए तो सम्मानजनक तरीके से यहाँ की यात्रा करके धार्मिक लाभ प्राप्त कर सके। जिलाधिकारी द्वारा इन अंतर्गृही यात्राओं के स्थलों, मंदिरों, उनकी गलियों को साफ सुथरी व रंगाई पुताई कराने, विकसित करने तथा पर्यटन विकास से 4,54,00,000 का प्रस्ताव महानिदेशक पर्यटन को प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा पर्यटन अधिकारी को इन सभी यात्राओं के टूर पैकेज बनाकर इनका प्रचार प्रसार विशेष अवसरों तथा सावन पूर्णिमा आदि पर कराने का निर्देश देते हुए पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सिटी बस संचालन हेतु प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। आज हम लोग सौभाग्य हुआ है कि टूरिज्म वालों को जो है विश्वनाथ जी के अंतर्गृही यात्रा जो है आज इन लोग को मार्गदर्शक कर हम ही कर। ये विश्वनाथ जी के अंतर्गृही विश्वनाथ जी से शुरू होगी, विश्वनाथ जी ख़त्म होगी और ये पंचकोशी यात्रा करने से पहले विश्वनाथ अंतर्गृही करना अनिवार्य रहता है पहले से, लेकिन अब परंपराएं सब चेंज होती जा रही हैं तो उसी को जीवित रखने के लिए हम लोग आज पहले काशी विश्वनाथ जी के अंतर्गृही यात्रा करें। नहीं, ये विश्वनाथ जी से आदेश लेकर के इनकी पूरी दर्शन करने के बाद तब पंचकोशी यात्रा करें। पंचकोशी यात्रा तो देव यात्रा है, उसको कभी भी कर सकते हैं। ये मनकनका शुरू होता है और 80 के बाद जो है वहाँ कंदवा, भीमचंडी, रामेश्वर, पाँचों पांडवा, कपिलधारा, जो विनायक करते हुए टोटल 84 किलोमीटर की है पंचकोशी। अंतर्गृही 79 मंदिर हैं, 79 मंदिर हैं, करीब 10-15 किलोमीटर में है। ये पहले 7 चक्र में होता था, 7 परिधि में होता था। अब क्योंकि रास्ताएं सब जगह से बंद हो गई है कॉरिडोर के कारण, इधर से नहीं जाना उधर से नहीं जाना है, तो मंदिरों के सभी दर्शन होंगे और क्रमानुसार न करके 7 चक्र में न करके एक एक एरिया के सब मंदिर के दर्शन करते हुए हम लास्ट में विश्वनाथ जी के एरिया आपकी विश्वनाथ जी से लेकर के मैदागिन की इधर जगमबाड़ी तक है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।